तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल डे ड्रीमर भावुक। हमारी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है मॉन्ट्रियल के बारे में। मॉन्ट्रियल की जैसे सबको पता है बहुत से जन वेट कर रहे हैं, एक एक साल हो गया बच्चों को वेट करते हुए, और आज ये वेट हमारा खत्म हो गया क्योंकि अब भी मुझे पता चला है किसी साहिबजीत सिंह की पीपीआर बीवीएल आया है। बीवीएल लेटर मैं जरूर अपनी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, प्रूफ के साथ प्रूफ दूंगा कि हाँ बीवीएल आने शुरू हो गए हैं। कनाडा कॉलेज का वो बीवीएल है उनकी, 10th मार्च को आया था बीवीएल, पीपीआर आ गया था उनका, और अब शायद उनका स्टैम्प होना है वीजा। सो वो मैं जरूर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ विड्रॉल के बारे में। विड्रॉल अगर आप सोच रहे हैं अपनी फाइल कराने का तो बिल्कुल भी ना करें यार, विड्रॉल बिल्कुल भी करके हमें फायदा नहीं है। आप अगर उसका रीअप्लाई करोगे तो वो जरूर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फाइल पे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके वीजा के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो आई इंसिस्ट आप थोड़ा सा वेट और कर लें। जैसे कनाडा कॉलेज की बीवीएल पीपीआर आनी शुरू हो गई है, सीडीआई की थ्रू से, सीडीआई के पॉइंट से भी हमें एक मिल गया था कि हाँ हमारा कॉलेज कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, और आईआरसीसी ने भी वो क्लेम कर दिया था। सो इट्स बेटर कि हम विड्रॉ ना करें फाइल अपना, थोड़ा सा वेट और कर लें। एक एक साल बच्चों ने वेट किया है, ऑनलाइन सेमेस्टर की क्लासेस लगाई हैं। सो आई इंसिस्ट अब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल होने वाली है, सो प्लीज़ आप विड्रॉल ना करें, आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे साहिबजीत सिंह की पीपीआर आ गई है, आपकी भी पीपीआर बहुत जल्दी आ सकती है। सो आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, डिप्रेस्ड मत हो। आई नो कि बहुत से बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं, अब किसी भी वीडियो पे वो यकीन भी नहीं कर रहे हैं आराम से, इसलिए मैं उनका लेटर डाल रहा हूँ। ये तो बात होगी सीडीआई कॉलेज की और कनाडा कॉलेज की, अब हम बात करते हैं टोरंटो की। टोरंटो की जो फाइल्स थी वो लॉन्च हुई थी जो 15 दिसंबर के अराउंड या 15 दिसंबर से पहले, उनकी अब पीपीआर आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि दिसंबर के मंथ में बहुत कम लॉज हुई थी, इसीलिए ये डेट सीधा 15 पे जंप कर गई है और 15 दिसंबर वालों की भी पीपीआर आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं पीपीआर टाइमलाइंस भी शेयर करूं तो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैं करूं, अगर यस तो आप यस कमेंट डाउन कर सकते हो मुझे। और मैं बात करना चाहूंगा जिनकी पीपीआर आ गई हैं उनके बारे में। जिनकी पीपीआर आ गई हैं वो अपने कॉलेज को एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दें अबाउट योर रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है यहाँ जाके, मतलब यहाँ रह के या कनाडा जाके, तो भी आप उनको एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दें अपना, क्योंकि वो आपको आपकी ईमेल आईडी जो कॉलेज की रहेगी वो, और पासवर्ड जरूर भेजेंगे। सो अगर आपने अटेंड करना है ये ऑनलाइन सेमेस्टर तो आप ज़रूर उनको, अपने कॉलेज को एक मेल करें कि हाँ आपका पासपोर्ट पीपीआर आ गया है, आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया है और आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, हम यहीं पर आज रैप। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप डीएम कर सकते हैं मुझे, या नीचे यहीं पर वीडियो में कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा विद इन 24 आवर्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।